जी, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात की कि जितने भी यहाँ पे स्टॉल होल्डर्स हैं उनसे हमने बातचीत का ये सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट पिशावर का, खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो है। तो आज देखते हैं कि स्टॉल होल्डर से पूछते हैं कि क्या राय रखते हैं आज के एक्सपो के हवाले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि आज सेकेंड डे है प्रॉपर्टी एक्सपो के हवाले से, तो क्या कहती हैं प्रॉपर्टी एक्सपो के हवाले से, कौन सी जो है काम है जिस पे आप खुश हैं कि जी, और कौन सी ऐसी वीकनेस है जो आप बताती है कि ये चीज़ अगर हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता? वीकनेस तो ऐसा मुझे नज़र नहीं आई, ऐसे क्यों कहूँ, लेकिन ये कि बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा आप कह लें प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक्सपो चाहे इस्लामाबाद है, पिशावर में, कहती हूँ हर जगह प्रॉपर्टी एक्सपो होने चाहिए, सो दैट वी कैन इन्वेस्ट एंड वी कैन डू बिजनेस, सो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, यानी कि आप सेटिस्फाइड हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी एक्सपो में बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हैं, जितने भी हैं यहाँ पे स्टॉल लगे हुए, उनकी बेसिकली फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो ये होती है कि हमारी बुकिंग हो गई है, तो कुछ बुकिंग्स वगैरह हुई है कि नहीं? बुकिंग तो माशाल्लाह से हुई है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी बुकिंग करना नहीं, हमारी प्रायोरिटी पहले हम अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं या जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना, उनको अपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना। If they are, हमारी पहली ये कि हम उनको इंटरेस्ट करें, उनको नॉलेज दें, और उसके बाद वी कैन गो फॉर द बुकिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया जी। आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आ जाए जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी।